नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मीनियस डिसीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसे किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, अगर ये हमें हो जाता है तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी जी। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वामी जी, आज हम मीनियस डिसीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि मीनियस डिसीज़ है क्या और इसके सिम्टम्स क्या हैं, और ये हमें हो जाता है तो हम श्री श्री परिपूर्णा सनातना आयुर्वेदा अस्पताल में आए और इलाज करवा सकते हैं। जरूर। नमस्कार प्रेमियों, आज एक ईयर डिसऑर्डर का और एक हम डिसीज़ कहने वाले हैं जो कॉमन होती है, मीनियस डिसीज़। वो मीनियस डिसीज़ जो होता है वो मोस्टली वर्टिगो प्रॉब्लम से ही रिलेटेड होता है। इसके लिए बहुत सारे थियरीज भी बने हुए हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी कंट्रीब्यूट किया गया है, मगर इसका मेन कारण क्या क्या हो सकते हैं वो कहते हैं, कानों के अंदर जब फ्लूइड भर जाता है उसको भी हम मीनियस डिसीज़ कहते हैं। वो अबनॉर्मल जब बिल्टअप हो जाता है फ्लूइड कानों के अंदर, तब जाके उसको इंडोलिम्फैटिक हाइड्रॉप्स कहते हैं। इंडोलिम्फैटिक हाइड्रॉप्स जब इम्बैलेंस हो जाती है, यानी कि आपके कानों के अंदर भर जाती है, तो वो कानों की फंक्शनिंग को रोक सकता है, सेंसरी सेल्स को रोक सकता है, जो हमारा हियरिंग कैपेसिटी को कम कर सकता है, इम्बैलेंस बना सकता है। दूसरा केस होता है जेनेटिक्स फॉर मीनियस डिसीज़। जेनेटिक केसेस में आप देखेंगे दादा परदादा इन सब के अंदर होगा या हमारे माता पिता के अंदर ये जेनेटिक मीनियस डिसीज़ हो सकता है, जिसके कारण पूरे खानदान में ये चलते रहेगा। और बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे उनमें थोड़ा फ़र्क्स तो आते रहते हैं जेनेटिक्स में, किसी को एक कान की ओर कम सुनाई देता है, किसी को दोनों कान सुनाई नहीं देते हैं, या उनके अंदर फ्लूइड ज़्यादा भर जाती है। इस तरह की समस्याएं ज़्यादा पैदा होने की वजह से वो जेनेटिक डिसऑर्डर भी हम कहते हैं। इसके अलावा तीसरा है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। कभी भी कोई भी वायरस आ जाती है या कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन आता है तो डेफिनेटली वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। वो भी एक कारण है मीनियस डिसीज़ का, जिसकी वजह से वो जब गलती से एक हमारे इनर ईयर के अंदर वो अटैक कर जाती है मीनियस डिसीज़, तब जाके इन्फ्लेमेशन या डैमेज होने का चांसेस है। और बाद में है एक एलर्जी। एलर्जी क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जैसे पोलन हो गया या कुछ हम ऐसे जंक फूड्स खा लेते हैं जिसके वजह से भी वो ट्रिगर हो सकता है, और उसके वजह से कानों की सुनाई देना बंद हो सकती है। कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी हैं जिसके कारण हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं। जब कान बंद हो जाते हैं, जब हवा बिल्कुल नहीं खुलती हमारे कानों के अंदर, तब जाके हमारी सांस भी फूलने लग जाती हैं। इसीलिए इसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का भी मीनियस डिसीज़ को बोला गया है। तो इस प्रकार बहुत सारे कारण हैं जिसको हमने समझना है, एक मीनियस डिसीज़ की कारण क्या बनती है, और मोस्टली जो है वो वर्टिगो के साथ रिलेटेड हुई है। ऐसे केसेस बहुत सारे हमारे पास आते हैं और इस अस्पताल में हम ये जितना भी ईयर डिसऑर्डर्स है उसका पूरा समाधान है, उसका कोई आपको दिक्कत नहीं है। आप आ सकते हैं, हमारे पास स्पेशल डॉक्टर्स भी हैं जो कानों के लिए ईएनटी के लिए मैं मोस्टली स्पेशलाइज्ड हैं, वो लोग भी अपनी आयुर्वेदा द्वारा भी वो टिक करते हैं। साथ ही साथ हम मर्म चिकित्सा में भी इसकी इलाज करवाते हैं, तो ये आपको 5 से 10 दिन में बहुत ही अच्छा इलाज का रिजल्ट मिलेगा। आपको कोई भी डिसऑर्डर हो आप आइए, जरूर हम बने रहेंगे अगले एपिसोड में दूसरे डिसऑर्डर के साथ वो क्या है करके। तब तक बने रहते हैं, नमस्कार। शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद बेटी। तो दोस्तों, अगर आपको भी कान में कोई भी परेशानी है तो आप श्री परिपूर्णा सनातना आयुर्वेदा अस्पताल आइए और यहाँ पर अपना इलाज करवाइए, कहते हुए हमारा कार्यक्रम संपन्न करते हैं। आप बने रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।